क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मैं बलदान सिंह बौद्धराव के महासचिव नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी। साथियों, आपका फिर से हमारे चैनल बीएस मोटिवेशन ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत है। आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड और अंधविश्वास पाखंडवाद के रिलेटेड हर एक जानकारी यहां पर मिलने वाली है। इस चैनल में सभी लोग बने रहिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंचे और आपको जानकारी हो सके, आपको अंधविश्वास पाखंडवाद से हम मुक्ति दिला सके। चलिए बात करते हैं हिंदू धर्म में अंधविश्वास के बारे में। सबसे पहला है पशु बलि प्रथा। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती है। पशु बलि प्रथा का कोई अपशिष्ट नहीं है, जिसको हम जन्म नहीं दे सकते हैं उसको हमें खत्म करने का भी अधिकार नहीं है। और पशुओं की बलि देना मूक जानवरों की, जो कि बेचारे बोलने में असक्षम होते हैं, बोल नहीं सकते और अपने दर्द को बयान नहीं कर सकते, तो ऐसे पशुओं की बलि पर बलि देना यह हिंदू धर्म का बहुत ही अंधविश्वास और पाखंड भरा ये धर्म है। तो इससे आप सब लोग पशु बलि प्रथा से दूर रहें। जादू टोना तंत्र मंत्र। जादू टोना तंत्र मंत्र द्वारा अपने स्वार्थ सिद्ध करना या दूसरों को नुकसान पहुंचाना हिंदू धर्म का अंग है। शैव शाक्त तंत्रिकों के संप्रदाय में इस तरह का प्रचलन बहुत है। आजकल ज्योतिष भी तांत्रिक टोटके का उपाय बताने लगे हैं। सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। सती प्रथा, सती माता के मंदिर भी बने, खासकर ये मंदिर राजस्थान में ज्यादा मिलते हैं। सवाल उठता है, हिंदू धर्म शास्त्रों में स्त्री के विधवा हो जाने के बाद उसके सती होने की प्रथा का प्रचलन है? जवाब है कि नहीं, क्योंकि अब यह प्रथा बंद हो गई है, लेकिन पहले यह प्रथा चालू थी। इस प्रथा में जीवित विधवा पत्नी को उसकी इच्छा से मृत पति की चिता पर जिंदा ही जला दिया जाता था। विधवा हुई महिला अपने पति के अंतिम संस्कार के समय स्वयं भी उसकी जलती हुई चिता में कूदकर आत्मदाह कर लेती थी। छुआछूत। अक्सर जातिवाद, छुआछूत और सवर्ण दलित वर्ग के मुद्दे को लेकर धर्मशास्त्रों को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य भी है। इस मुद्दे पर धर्मशास्त्रों में क्या लिखा गया है, ये किसी से छुपा नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। मनुस्मृति को पढ़ने की जरूरत है और उसमें सब कुछ स्पष्ट है कि किस प्रकार से छुआछूत भेदभाव के लिए हम लोगों को जातियों में डिवाइड किया गया। मूर्ति पूजा। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन बहुत पहले से चलता आ रहा है, शुरू से ही चलते आ रहा है और ये लोक परंपरा है, प्राचीन परंपरा है। शैव शाक्त नाथ नाग और द्रविड़ संप्रदाय में इस प्रथा की शुरुआत से ही प्रचलन रहा है। सब लोग अपने भगवान की पूजा करते थे और उनको मानते थे और उनकी मूर्तियां बनाकर पूजते थे, उनके नाम पर अंधविश्वास पाखंडवाद फैलाते थे और लोगों से दान लेकर के गुमराह करते थे, उन्हें बेवकूफ बनाते थे। तो ये जो अंधविश्वास पाखंडवाद है, इनसे हमारे समाज से अनुरोध है, इन अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर रहें और अपने वास्तविक धर्म, वैज्ञानिक धर्म तथागत बुद्ध के बुद्ध धर्म को अपनाएं और अच्छा जीवन जिएं। क्रांतिकारी जय भी नमो बुद्धाय। मुझे लगता है कि आपको जानकारी पूरी मिल गई होगी और इसी तरह से अभी तो ये शॉर्ट वीडियो हम बना रहे हैं, ज्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ नॉलेज आपको देना है। एडिटिंग या अपने व्यूअर्स नहीं बढ़ाने, हमें सिर्फ नॉलेज देना है, तो इसलिए हम सिर्फ नॉलेज देने के लिए वीडियो बनाते हैं। एडिटिंग से हमें एडिटिंग करके कोई भी फायदा नहीं, ना तो हमें अर्निंग करनी है, सिर्फ हमें आपकी नॉलेज बढ़ानी है। तो इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।